झरोखा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से ही आज एक दूसरा अध्याय ले रहे हैं और इसका शीर्षक है कैसे बनता है रेडियो नाटक। नाटक पर ये बातचीत चल रही है तो अब हम रेडियो नाटक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस बारे में हम जो कुछ भी जानेंगे समझेंगे वो प्रश्नोत्तरों का माध्यम होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रेडियो नाटकों ने नाट्य आंदोलन के विकास में क्या भूमिका अदा की है? तो इसका उत्तर है, रेडियो नाटक ने नाट्य आंदोलन के विकास में अहम भूमिका अदा की है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो कैसे? कि जो नाटक मंच पे किए जाते हैं उनको एक महीने कम से कम उसका अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए मंच की आवश्यकता होती है, मंच सज्जा की आवश्यकता होती है, पात्रों को अपने संवाद याद करने पड़ते हैं, अभिनय करना पड़ता है, अभिनय से उसको प्रस्तुत करना है, संगीत की व्यवस्था करना पड़ती है, प्रकाश की व्यवस्था करना पड़ती है, बहुत बड़ा सरंजाम जुटाना पड़ता है। लेकिन रेडियो नाटक में ना अभिनय की जरूरत है, ना संवाद याद करने की जरूरत है। आप अपना पन्ना लेकर के अपने संवाद बोलते हैं और केवल संवादों के माध्यम से ही आप नाटकीयता पैदा करते हैं। तो इसने नाटक को प्रस्तुतिकरण को सरल बना दिया, तो इसलिए नाट्य आंदोलन आगे बढ़ा और ज्यादा लोकप्रिय हुआ। दूसरा प्रश्न है, कुछ ऐसे रेडियो नाटकों के नाम बताइए जो मंच पर भी सफलतापूर्वक खेले गए। रेडियो पर जो नाटक होते हैं उनका शिल्प विधान अलग होता है, क्योंकि वो हम देख नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो मंच पर होता है उसका शिल्प विधान अलग होता है, क्योंकि हम सुन भी रहे हैं और उसे देख भी रहे हैं। तो ऐसे रेडियो नाटक जो मंच पर भी सफल रहे हैं उनमें डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग, वह रेडियो पर भी प्रस्तुत किया जाता था, मंच पर भी। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, वह भी ऐसा ही नाटक था। और अब प्रश्न तीसरा, रेडियो नाटक को दृश्य माध्यम कहा जाएगा या श्रव्य माध्यम? तो इसका उत्तर है बहुत सरल सा छोटा सा, कि यह श्रव्य माध्यम, क्योंकि रेडियो पर हम नाटक को देखते नहीं, सुनते हैं। चौथा प्रश्न है, रेडियो नाटक में अभिनय का क्या स्थान होता है? तो इसका उत्तर है कि रेडियो नाटक में अभिनय की आवश्यकता नहीं होती, केवल संवादों की नाटकीयता से ही काम चल जाता है। और अब आते हैं प्रश्न पांचवें पर, रेडियो नाटक की कुछ विशेषताएं बताइए। तो देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला, यह सीमित अवधि वाला होता है। सुनने वाली कोई भी चीज होगी, चाहे वो कथा हो, कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, उसे आपको कम समय का ही रखना होगा, क्योंकि हम ज्यादा देर तक किसी चीज को नहीं सुन सकते, हमारा ध्यान वहां से भटक जाता है। तो रेडियो नाटक की अवधि कम से कम रखी जाती है। पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। अगर नाटक रेडियो पर किया जा रहा है तो उसमें पात्र कम होने चाहिए। कहानी को घटना प्रधान होना चाहिए, ताकि घटना निरंतर घटती रहे, एक घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, क्योंकि हम सुन रहे हैं, देख रहे हो तब कोई और दृश्य भी चल सकता है। चौथा है, रेडियो नाटक में सभी कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के जरिए ही प्रस्तुत किया जाता है। जो कुछ भी है संवाद ही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता है। वही चरित्रों के नाम लेकर के आपको बताएगा कि कौन सा पात्र क्या है, उसका परिचय भी वही देगा, बातचीत में ही बता देगा कि अच्छा तो तुम राम कुमार हो, तुम्ही ने उस दिन चोरी की थी। इस डायलॉग से पता चलेगा कि ये चोर है और इसका नाम राम कुमार है। तो इस तरह के संवाद होते हैं रेडियो नाटक। अब प्रश्न छठवां है, रंगमंच नाटकों की तुलना में और रेडियो नाटकों में कौन सी सुविधाएं आ जाती हैं?
रंगमंच पर जो नाटक खेला जा रहा है उसकी तुलना में रेडियो पर किए जाने वाले नाटक से में क्या सुविधा हमको ज्यादा मिलती है। तो पहला तो यही है कि उसमें अभिनय नहीं करना पड़ता, मंच पर अभिनय करना पड़ता है, रेडियो नाटक में हमें अभिनय नहीं करना है, मंच सज्जा की जरूरत नहीं है, मंच दिखाने नहीं है, पात्रों को मेकअप करने की जरूरत नहीं है, पात्रों की वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है, और इसी तरह जो है वो किसी तरह की प्रकाश व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आते हैं प्रश्न सातवें पर, रेडियो नाटक तैयार करने के लिए सबसे पहले किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर है कि रेडियो नाटक तैयार करने के लिए सबसे पहले कहानी तत्व की आवश्यकता पड़ती है। कहानी होगी तभी तो आप उस पर नाटक लिखेंगे, कोई कहानी नहीं होगी तो हमारे नाटक में हम बताएंगे क्या, प्रस्तुत क्या करेंगे। छठवां है, सामान्यतः रेडियो नाटक की अवधि कितनी मानी गई है। उत्तर है, सामान्यतः रेडियो नाटक की अवधि 15 से 20 मिनट मानी जाती है, और अगर कहानी लंबी है तो उसे इतनी ही अवधि वाले धारावाहिक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नौवां है, कैप्टिव ऑडियंस से क्या मतलब है। उत्तर है, कैप्टिव ऑडियंस का तात्पर्य होता है कि एक स्थान पर कैद करके रखे गए दर्शक, जैसे थिएटर के अंदर दरवाजे बंद हो गए और आप अब वहां पर नाटक अगर 1.5 घंटे का है तो आप 1.5 घंटे तक कैद हैं। अगर कोई फिल्म देख रहे हैं 3 घंटे की, 3 घंटे तक कैद है। लेकिन रेडियो नाटक के लिए आपको उनको बंद करके रखने वाले दर्शकों की, श्रोताओं की जरूरत नहीं है। रेडियो बज रहा है, आप बैठे बैठे भी सुन सकते हैं, टहलते हुए भी सुन सकते हैं, खाना खाते हुए भी सुन सकते हैं। तो ये कैप्टिव ऑडियंस मतलब एक जगह पर कैद। 10वां प्रश्न है, मंच का नाट्यालेख, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाटक तीनों में क्या समानता है। उत्तर है कि तीनों दृश्य माध्यम है। मंच पर जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है वो सभी हम देख सकते हैं, सिनेमा की जो पटकथा है वह भी दृश्य माध्यम है, कहीं किसी फिल्म के रूप में वो सामने आएगी, और जो रेडियो नाट्य लेखन है वह भी जो है वो श्रव्य माध्यम है, लेकिन उसको कैसे प्रस्तुत करना है उस प्रस्तुति में भी एक दृश्य हमारे दिमाग में बनता है। रेडियो नाटक में संबंधों का क्या महत्व है। उत्तर है, संबंधों नहीं संवादों का। रेडियो नाटक में संवादों का क्या महत्व। उत्तर है, रेडियो नाटक में संवादों का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है, वही उस नाटक के प्राण है, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही पात्रों के नाम, उनके आपसी रिश्ते, उनकी चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। और अब प्रश्न 12वां, रेडियो नाटक में भाषा का क्या महत्व है। तो उत्तर है, रेडियो नाटक में भी भाषा का विशेष महत्व है, जैसा पात्र होगा वैसी उसकी भाषा होगी। शिक्षित पात्र शिक्षापूर्ण भाषा बोलेगा, अच्छे वाक्य बोलेगा, जो ग्रामीण परिवेश का चरित्र है उसकी भाषा में ग्रामीण शब्दावली आएगी, जो अपढ़ है उसकी भाषा शैली अलग होगी। संबंधों के बदलने पर भी भाषा का तरीका बदलता है। अगर आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो बात करने का एक ढंग होगा, आप अपने अफसर से बात कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, ढंग बदल जाएगा, पत्नी से बात कर रहे हैं, ढंग बदल जाएगा, अपरिचित व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ढंग बदल जाएगा। तो ये संवादों का अलग अलग महत्व है। अब आते हैं 13वें प्रश्न पर, रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया। रेडियो का आविष्कार सन 1895 में मार्कोनी ने किया था। और 14वां प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार कब और किसने किया।
तो इसका उत्तर है कि सन 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने इस विधा का आविष्कार किया था। 15वां है, यहां कुछ दृश्य दिए जा रहे हैं, आप रेडियो नाटक लिखते समय किस तरह से उन्हें प्रस्तुत करेंगे वो आपको लिखना है। तो पहला है घनी अंधेरी रात। अब नाटक में इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कि साए साए की आवाज के साथ हवा चल रही है, ये ध्वनि लाएंगे। दूर से किसी चौकीदार की आवाज भी सुनाई पड़ेगी, जागते रहो, तब मालूम पड़ेगा कि रात है और कोई लोगों को जागृत कर रहा है। फिर खा है, सुबह का समय है, तो इसे हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, तो सुबह की ध्वनि में हम चिड़ियों का चहचहाना ले सकते हैं, लोगों का आना जाना, बातचीत करना बता सकते हैं, भक्ति संगीत वगैरह, कहीं घंटे घड़ियाल बज रहे हैं जो प्रातःकाल का एक प्रतीक है, इस तरह से हम उस दृश्य के लिए ध्वनि को रचते हैं। फिर बच्चों की खुशी को अगर हमको प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, तो बच्चों का खेल खिलाना हम रिकॉर्ड करेंगे, उनका उछलना कूदना, उनका बातें करना। ये नदी का किनारा अगर हमको दिखाना है कि जो नाटक है वो नदी के किनारे पर है, तब क्या होगा, पानी के बहने की हमको ध्वनि सुनानी होगी, लोगों के आने जाने नहाने का और मंत्रोच्चार करने का, ये भी हमको वहां पर ध्यान रखना होगा। वर्षा का कोई दिन है, पानी बरस रहा है, तब तो हवा चलने की ध्वनि, पानी की बूंदों के गिरने की ध्वनि, बादल के गरजने की ध्वनि, गीले होने से बचने की सलाह, या छाता कहाँ है, पानी तो बहुत गिर रहा है, इस तरह के संवादों और ध्वनियों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो यह था कैसे बनता है रेडियो नाटक अध्याय पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। हमारा आपसे निवेदन है, कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।